भी नहीं बनाया है यार, कुछ भी नहीं किया है, आज का एकदम दिन ही खत्म एकदम मेरा। और इसलिए मैं खत्म हो रही हूँ, छत तो है नहीं, जितना दिन मैं बना पाई सब भी मैंने बनाया और छत में मैं नहीं जा पाती हूँ, मेरा अपना छत नहीं है। और इधर देखो फिल्टर का पानी आया है, भिंग भिंग चलाया है, दो फिल्टर दो डिब्बा पानी, तो आप लोग देख सकते हो कितना बारिश है और इधर ही पानी चुन रहा है, बाप रे। और देखो नीचे मिट्टी का है पूरा, एकदम भींग गया है। ऑलरेडी मैंने इस पर पानी वाला एक वीडियो बनाया था, तो ऑलरेडी भींगा हुआ था, दो तीन दिन पहले मैंने बनाया था वीडियो, तो पूरा भींग गया था एकदम, जो कि आज स्पेशल है एकदम, तो मैं अभी डाली नहीं हूँ, उसके काम चल रहा है मेरा। आप लोगों को पता है मेरे पास समय बहुत कम होता है, धूप भी लगता है तो मैं नहीं बना पाती, अंधेरा आता है, तो एकदम एक डेढ़ घंटा में मुझे सब कुछ मतलब बनाना होता है, ठीक है। तो देखो पूरा ये भी भींग गया है, पूरा भींग रहा है अब, और आवाज़ तो सुनाई देगा नहीं, मौसम थोड़ा सा सही था, सब साफ नहीं आया तो अब क्या आएगा। और इधर इतना तेज़ बारिश हो रहा है, इतना तेज़, कमेंट में बताना कि आपको क्या बारिश हो रहा है कि नहीं। और मैं इतना मेहनत से रेडी हुई थी, पूरा सूटी वगैरह लगाया थी। अब एकदम स्पेशल सॉन्ग था, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है वो, बहुत ही अच्छा सॉन्ग था, मैंने सोचा बहुत अच्छे से बनाऊंगी, उनकी तरह नहीं, पर कोशिश की जाएगी कि थोड़ी सी भी बन पाए तो मैं बहुत खुश हूँ, मतलब जितना भी मैं बना लूँ, लेकिन मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत ही अच्छी डांसर है वो, तो मतलब मैंने सोचा कि आप मैं बना लूँगी, ठीक है, लेकिन कैसे बना लूँ बताओ, बारिश वाला सॉन्ग थोड़ी यार, अंधेरा आएगा इधर, बाप रे मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ ना, देखो। और इधर देखो मेरी दीदी है, स्वेटर कौन नहीं है, जब से उठी है ना, नहा धोआ के पूजा की है, तब से स्वेटर पहन ली है। और मेरा देखो मैं कितना अच्छा सेट करके एकदम साड़ी पहनी थी यार, जितना रोना आ रहा है ना मुझे। अब उसको देखो अंदर की छाता लेके घूमता है, भींग गया है तब छाता लेके घुमाया, मतलब उल्टा ही काम करता है, अभी निकल जाएगा बाहर घूमने के लिए, बारिश आ रहा है तो छाता लेके, देखो बोल रहा है कि मुझे सोचते वाली उल्टा काम करता है सब कुछ, बारिश आएगा तो बाहर जाएगा, मौसम अच्छा रहेगा तो घर में रहेगा, पूरा उल्टा काम। तो पानी आ गया है ये तो ठीक है, पर मेरा बताओ यार मैं क्या करूँ। और इधर देखो कितना पानी लग गया है, और मेरे पैर में देखो कितना मिट्टी मिट्टी है, कितना काली मिट्टी है, पता नहीं कौन सी मिट्टी है, पैर में इतना चिपक रहा है ना कि लग रहा है कि गोंद से चिपका दिया गया है। और इधर देखो पूरा भी जो पानी है ना पूरा घर में जाएगा, देखो पूरा घर में जाएगा यहाँ से घर के, ये बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं, क्या होता हूँ, देखो कितना पानी लग गया है, और मैंने सूट भी नहीं किया है अभी, अभी अभी तो मैं रेडी होके आई थी सूट करने के लिए, आज बारिश आना एकदम लग रहा है कि किसी भक्त ने बोला है माता रानी से कि बारिश करवा दीजिए, बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चलो बारिश हुई तो हुई, मैं बनाऊँ कहाँ, मैं ये सोच रही हूँ, इतना अच्छा रेडी हुई हूँ ना कि इतना अच्छा रेडी मैं कभी भी नहीं होती, और इतना एकदम सेट करके साड़ी तो मैं कभी भी लाइफ में नहीं पहनी थी ना दीदी, आज इतना अच्छा साड़ी पहनी हूँ ना, लेकिन दिमाग एकदम ख़राब हो गया है कि बन ही नहीं पाया, क्या बताएं। खैर ब्लॉग में आगे तक बने रहो, और बताना कमेंट में कि आप लोग के यहाँ मतलब बारिश हुई कि नहीं, और जो जो वीडियो बनाते हैं वो लोग कितना परेशान है थोड़ा बता देना। और देखो मेरा प्रोग्राम तो ख़त्म, अब मैं कुछ और सोच रही हूँ कि कुछ और ही बनाऊँ एक जगह पर बैठ के, छत पे तो जा नहीं सकते हैं, छत पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अपना छत नहीं है, तो इधर का तो मेरा बैकग्राउंड खत्म एकदम, तो मैं जा रही हूँ कुछ और ही बनाने, ब्लॉग में आगे तक बने रहो। अरे देखो क्या सोच रही है, क्या सोच रही है, इधर बना लीजिए, पूरा तो इधर सूखा हुआ है, चलिए उधर उसको बनाइए, मेरा बैकग्राउंड तो खत्म हो गया, और देखो मेरा बैकग्राउंड क्या हो गया,
मैं यहीं पे खड़ा होकर बनाती हूँ, यहीं पे बनता ही है, मतलब अच्छा एकदम बीच में रहता है, दो पाया है, दोनों पाया के बीच में मैं खड़ी होकर बनाती हूँ। और उधर जो ऊंच वाला दिख रहा है ना, उस पर मेरी दीदी खड़ी होकर कैमरा करती है। उनका देखो वैसा बैकग्राउंड मेरे लिए होना चाहिए क्योंकि मैं डांस करती हूँ, इनको खड़ा होकर नीचे बनाना चाहिए, लेकिन इनका स्टेज जैसा बैकग्राउंड है कैमरा करने के लिए, बता। तो आज इधर देखो, इधर एक दिन बैकग्राउंड बना था, वो जो रिबन दिख रहा है ना येलो कलर का ऊपर ऊपर, तो वही बैकग्राउंड एक दिन बना था, इसी के लिए है। लाइक आया, चला भी गया। तो ब्लॉग में आगे तक बने रहो, फिलहाल मैं जा रही हूँ कुछ शूट करने और जल्दी से जाने, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि आज कत्यायनी ने वीडियो नहीं डाला क्यों। तो ब्लॉग में आगे तक बने रहिए, देखिए क्या होता है, क्या बनाती हूँ, सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़।